फोरहेड अगर अपन आते हैं तो फोरहेड नियरली फिल्ड है, लेकिन अपन गलती के करते फोरहेड उल्टा सीधा चला है। पेंसिल यहाँ पकड़ो, अपन को पता है 2 से 3 लेयर, तो क्या करेंगे, एक लेयर जैसे मैं ये वर्टिकल में ले जाऊँ, दूसरी लेयर में हॉरिजॉन्टल में डाल दूँ, दूसरी वाली लेयर होगी वो मैं हॉरिजॉन्टल में डाल दूँ, उससे क्या होगा बीच में थोड़ी स्पेस छूटती है, थोड़ा अनइवननेस आती है, वो नहीं आएगी, बहुत आराम आ रहा है, कोई जरूरत नहीं है कि एक बार मैं पूरा फिल कर दूं मैं यहाँ पे अभी बहुत डार्क तरीके से, मैं अभी सिर्फ HB पेंसिल से हल्के से फिल कर रहा हूँ क्योंकि अपने पास डेप्थ के लिए और पेंसिल्स हैं। आईज वाले पोर्शन में देखोगे ऊपर वाला रीजन फिल किया मैंने, नीचे वाला इससे ज़्यादा नीचे नहीं ले जाओ अभी, क्योंकि क्या है थोड़ा हाईलाइट के लिए छोड़ेंगे तो वो अभी नीचे की तरफ आई, मैं ओवल कर रहा हूँ, मैं उल्टा सीधा नहीं चला रहा कुछ भी हाथ चला रहे, नहीं मेरा हाथ अगर तुम देखो ये है बहुत छोटे छोटे सर्कल्स में ओवल ओवल चल रहा है, ठीक है मैं बहुत बड़े बड़े सर्कल नहीं बना रहा कि पूरी आई को एक बार में कवर कर लूं, और ऐसे बहुत छोटे छोटे नहीं बना रहा कि एक ही जगह में कूद रहा हूं, नहीं मैं बहुत लाइटली चला रहा हूं, पेंसिल को जितना पीछे पकड़ सकते हो जितना स्लांट में पकड़ सकते हो उतना पकड़ो, ये वाला पोर्शन आता है अब एक चीज ध्यान जो ये है इसके नीचे का एरिया पूरा डार्क है, ठीक है इसके नीचे का एरिया जैसे ये डार्क है ना मैं इसी तरीके से करूँ, जो सर्किल आ रहा है ना यहाँ पे ये पूरा एक सर्किल जैसे ओवल शेप सा ये मेरे दिमाग में, ठीक है ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से मैं सर्कुलर शेडिंग करते करते उसकी एक आउटलाइन टाइप दे, क्योंकि देखो अगर तुम स्केल लेके नोटिस करो कि वाइट एरिया कितना है यहाँ से लेके तो ये तुम्हें मिलेगा 0.9 सेंटीमीटर तक तुम्हें शेड नहीं करना, वैसे यहाँ तक तुम्हें इधर तक शेड करना, अपर रीजन जो रहता है वो शेड होगा, पहले इतना इतना तो हो गया शेड, अब नीचे की तरफ आते हैं तो पहले चीक्स वाला एरिया देखो, ये सबसे जरूरी भाई है क्योंकि अपलिफ्टेड एरिया दिख रहा है, ये देखो ये डार्क है ये हल्का लाइट है और ये थोड़ा और ज्यादा लाइट है, ये डार्क है ये हल्का लाइट है थोड़ा और ज्यादा लाइट, तो ये क्या होगा अपने HP से नहीं करेंगे पूरा चीक, ये 6B हो गई ये 4B हो गई ये HP इस तरीके से वाइट कर लो, ये बात हमें डेप्थ दिख रही है तुम समझ जाओ 6B, लेकिन एक ये नहीं कि डायरेक्ट 6B 4B और HP कर रहा, नहीं लेयर वाइज, तो एक HP से क्या करते हैं अपन, अपन एक इंडिकेशन टाइप बनाते हैं, ओके तुम्हें पता ही है कि ग्रेफाइट फैलेगा, ग्रेफाइट इस एरिया को ऑक्यूपाई करेगी तो पहले ही छोड़ दो उतना, ठीक है HB से उतना एरिया फिल करने की जरूरत है नहीं, वो अपने आप हो ही जाएगा, सेम चीज यहाँ पे है हल्का हल्का जैसे ये है इसकी आउटलाइनिंग लेते हुए, पूरा नहीं भरना है अपन को इसकी हल्की आउटलाइन लेते हुए आनी है, ये एरिया जो मैंने अभी इंडिकेट किया इसको करो जो तुम्हें 6B से एकदम डार्क डार्क दिख रहा है, बाकी जो HP से दिख रहा है अपन को ये छोड़ दो, क्या है अभी पेंट करेंगे 2 से 3 लेयर तो वो अपने आप फिल हो जाएगा, बाकी ये वाला एरिया इसको रफ नहीं करनी शेड, पेंसिल ऐसे पकड़ो पीछे की तरफ एकदम, मैं ये ऊपर से पकड़ के नहीं कर रहा हूँ मैं एकदम लिटा के कर रहा हूँ, तो उससे क्या होता है तुम स्मूथ शेडिंग आ जाती है, मूवमेंट जो रहता है बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये मैं आगे पकड़ लेता हूँ इतना से एरिया कर पाऊंगा, वो डिटेलिंग के लिए बढ़िया है लेकिन बड़े एरिया में शेडिंग के लिए नहीं, तो अभी बस A4 बना रहे, A3 बनाओगे अगर तो उस पर बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत छोटे छोटे जगह से शेड करोगे, ठीक है ये
हुआ, फिर इसके बाद लिप्स के नीचे वाले रीजन में ऐसे ओवल शेप में भरते जाओ, फिर ईयर्स में हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज और बोली अभी, अपन बियर्ड में पूरा से बाल नहीं करते, अपन स्किन का शेड लेते हैं, एक से दो लिया डिपेंडिंग अपॉन स्किन। इसमें अपन जो नीचे का एरिया है उस पे भी अपन शेड करेंगे, उसे भी फिल करेंगे एचबी पेंसिल से ही। ओके, बहुत ज्यादा डार्क नहीं कर रहे अपन, और बहुत ज्यादा जो मैंने इरेज करने बोला ना, एकदम इरेज मत कर देना, एक आइडिया लगना चाहिए कि अपने बाल जो है दाढ़ी पे वो यहाँ यहाँ पे थे। ठीक है, इस तरीके से। और जो नेक वाला एरिया आ गया, ये तो पूरे ही फिल करना है एचबी से, पहले इतना क्या हो एचबी से पूरा नेक वाला एरिया फिल कर। सब लोग इन पर ध्यान रखना, डायरेक्ट से करने से पहले एचबी से हल्का सा शेप करके देखो, अपने में पता चले तुमने एक का लेफ्ट जा रही है, एक का राइट जा रही है, वो गंदी हो जाए एकदम। ठीक है, क्योंकि कम से कम भी सही होना चाहिए। ये हुआ, इसको ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर लो, फिर अपनी एचबी पेंसिल। अब तुम्हें पता है ऊपर से नीचे आते हुए लाइट हो जाते हैं, ऊपर से स्टार्ट किया नीचे आते आते लाइट, देखो भले ही रेफरेंस है भैया पूरी डार्क दिख रही है, लेकिन ये लेयरिंग प्रोसेस है, अपन वही फॉलो करेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद डायरेक्ट एमवी की जगह 6वीं पेंसिल लो, ओके, अच्छे तरीके से ऊपर ऊपर 6वीं वाला पोर्शन करना, नीचे की तरफ लाए, ऊपर वाला डार्क होना चाहिए बस, एक चीज ध्यान रखना, वीडियो में शाइन मार रहा है, मतलब वो डेप्थ आ रही है अच्छी। सिक्स भी ऊपर ऊपर किया, नीचे नीचे लाइट किया थोड़ा। ओके, फिर वही सर्कुलर चला ब्लेंडिंग स्टंप, सबसे पतला वाला ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड कर रहा हूँ ये मैं। ओके, ये हुआ। अब एनबी पेंसिल लो, एनबी पेंसिल से ऊपर वाला एरिया शेड करना स्टार्ट कर। देखो भरना घिसना नहीं है अपन को, जैसे अपन ने पीपल वाले में किया था, शेड करना है। ओके, शेड करना है इस तरीके से, धीरे धीरे ऊपर वाला पोर्शन शेड करते गए, नीचे आते आते उसे थोड़ा लाइट किया, ऊपर बस डेप्थ रख। सेम चीज यहाँ करेंगे, ऊपर आते आते लाइट, नीचे ऊपर डार्क किया अच्छे तरीके से, नीचे लाइट किया। ये एक बेसिक लेयर टाइप दे रहा है, अगर अपन को लगता है कि एंड में बात आके अपने स्केच के साथ नहीं बैठती, अपन और डेप्थ दे सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में। ओके, जो आंखों में शाइन है जो अपन व्हाइट जेल पेन से देते हैं वो एंड में देंगे, अभी नहीं। ओके, क्योंकि फिर वो ब्लेंडिंग के बाद खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आई करते हैं अपन, तो आई के बाद अपन को कुछ नहीं करना, ब्रश लो, ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर दो। देखो दो तरीके हैं ब्लेंडिंग के, ब्रश से भी कर सकते हो और कॉटन से भी कर सकते हो, मैं दोनों से बताता हूँ। और कौन स्केच में एट अ टाइम दोनों से भी कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे किससे करना है वो भी जरूरी है। जो बड़े एरिया हो जाते हैं जैसे फोर है, तो कॉटन इस तरीके से अपन दिया की बात ही बनाते ना, इस तरीके से रखा और बहुत लाइटली लाइटली करने लगते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है जो रफ एरियाज भी हैं, जो रफ शेडिंग की है वो भी थोड़ी स्मूथ हो जाती है। ठीक है, इसमें जैसे वर्टिकल करें तो अपना हाथ जो है उन्हें पहले वर्टिकल पे चलाओ, फिर हल्का हल्का, देखो घिसना नहीं है क्योंकि वो आ सकते हैं पैचेस, फिर हॉरिजॉन्टल चलाने लगे। ठीक है, अभी जो छोटे एरियाज हो जाते हैं नोज वाले, या तो इनके लिए एकदम पर्टिकुलरली छोटी कर लो, ओके, वरना इन्हें ब्रश से करो। ओके, अपन ब्रश से करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ये वाला जो बड़ा एरिया आ जाता है, जैसे ईयर्स वगैरह हो गए, नीचे नीचे आ गए, ये अपन कॉटन से करेंगे पहले। ठीक है, चीक्स वाला एरिया छोड़ दो, फिर नेक वाला जो एरिया आता है ये भी कॉटन से करेंगे। ओके, तो एक तरीके से जैसे अपन एक रफ शेडिंग से कर लेते, वैसे अपन ने ब्लेंडिंग से कर ली अच्छी तरीके से। अब ब्रश लो, ब्रश को पहले किसी खाली पेपर पे चला लो इस तरीके से, ताकि उसमें जो ग्रेफाइट भरा हुआ हो ना, जैसे मेरे में देखो ग्रेफाइट भरा हुआ निकल रहा है,
वो हट जाए, बहुत सारा ग्रेफाइट इसका आता रहता तो वो अच्छा रहता है निकालना। ओके, ब्रश क्लीन कर रखा करो। अब ब्रश पे आराम आराम से आईज के ऊपर, आईज के लिए देखो सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है ब्लेंडिंग की, मेरी वाली मैच करने की कोशिश मत करना। ओके, कि कम जल्दी जल्दी करके रफ छोड़ दिया, नहीं यहाँ बॉर्डर बॉर्डर पे किया, यहाँ सर्कुलर चला रहा हूँ ब्रश। ओके, इस तरीके से ओवल शेप में चलाया ताकि जो ब्लेंड करना है ना मुझे एरिया डार्क टू लाइट में वो अच्छे से हो जाए, ऐसे एक लाइन बनी ना मिले। यही सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, ऐसे कर्व करते कर देखो जो सर्कल बन के आ रहा है ना उसके अराउंड में कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, जो ग्रेफाइट की लेयर आ रही है ना उसका आउटलाइनिंग टाइप दिखाएगा, हल्का सा आईब्रो के बीच में से कर्व शेप, यहाँ पे भी हल्का हल्का कर्व शेप, आईज के ऊपर भी चलाओ ऐसे कर्व में, नीचे भी चलाया, नीचे जब चलाओ तो हल्का सा इस एरिया में ले आना ऐसे, ठीक है। उससे क्या होगा, आईज के नीचे जो आ रहा है ना ये एरिया शेड होता हुआ ये भी आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, फिर जहां जहां तुम्हें लग रहा है कि अभी भी रफ बचा है वहां पे आराम आराम से ओवल शेप में ब्रश चलाओ, नेक पे चलाओ और ये अपनी फर्स्ट लेयर जो है वो ब्लेंड हो जाती है। ओके, तो इतना करो, फोरहेड पे जैसे अपन ने फर्स्ट लेयर जो थी ऐसे वर्टिकली करी, अब जरा हॉरिजॉन्टली कर लो। ओके, टू बी से कर रहा हूँ, टू बी पेंसिल भी पूरा एक बार में लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, पेंसिल पीछे पकड़ो और आराम आराम से करते हुए लाओ। ठीक है, आईब्रो ये है इससे थोड़ा ऊपर छोड़ दो, ये दिख रहा है पूरा एक अपन जाता हुआ हल्का सा, तो वही सेम चीज है यहाँ तक बाकी एरिया पर फिल करेंगे। देखो ऐसा नहीं करना कि लेफ्ट वाला जो पोर्शन पहले किया वो लाइट हो गया ये डार्क हो गया, वाइस वर्सा इक्वल रखना, आराम आराम से करते गए। एकदम लाइन नहीं ड्रॉ कर देना, लाइन ड्रॉ कोई नहीं करेगा, मतलब एक लाइन सी ड्रॉ हो गई थी हल्का हल्का उसके नीचे बहुत लाइटली लाइट शेड करना ताकि ब्लेंडिंग में आसानी हो। ओके, ये किया, फिर आईज वाले रीजन में देखो जैसे ये ऊपर वाला इसके सराउंडिंग में जैसे सर्कुलर शेडिंग करूँ तो एरिया छोड़ रहा था, ये वाला एरिया छोड़ रहा है ऐसे, इसके सराउंडिंग में ठीक है यहाँ पे नीचे की तरफ सर्कुलर शेडिंग करूँ ऐसे, थोड़ा नोज के पास पास किया एकदम से छोड़ देंगे तो लाइन सी बन जाएगी ब्लेंड, हल्का सा अंदर शेड करते हुए लाओ। ठीक है, इतना एचबी के ग्रेड बस, फिर सेम चीज नीचे नीचे शेड करें, यहाँ पे भी अपन सेम चीज करेंगे, ये जो कर्व शेप आ रहा ना उस तरीके से इससे स्टार्ट करो ऐसे शेड करते हुए, ये कर्व शेप है जो, ठीक है ये वाला पोर्शन छोड़ दें अपन, इसकी सराउंडिंग पे करना स्टार्ट करो। ये बीच में छोड़ रखा है सराउंडिंग पे उसकी ज्यादा डाल, ये वाले एरिया को मैंने फिल किया, आईज के थोड़ा नीचे नीचे किया, पूरा नहीं भरूंगा मैं नीचे का, ये वाला कर रहा हूँ अभी और ये थोड़ा स्मूथली कर, टाइम लगेगा ओके लेकिन स्मूथली कर ये करते हुए। अब आईब्रोज के बीच में जो स्पेस है, आईब्रोज के बीच में जो स्पेस है ये वाली, इसको भी आराम आराम से टू बी से ज्वाइन कर, आराम से बहुत भर के नहीं करना है, बहुत भर के नहीं करना है पहली बोल, नोज की जो बॉर्डर आती हल्की हल्की टू बी से करो, फिर नीचे वाला जो पोर्शन है वो किया अपन ने,
यहाँ पे हल्का हल्का शेड किया, ये ऊपर वाले रीजन पे जाके मिक्स हुआ। ऐसे एच भी यहाँ तक किया था जो टू बी उससे थोड़ा पहले कर था, यहाँ तक लाते लाते टू बी किया और हल्का हल्का आगे ले गया ताकि वो ब्लेंडिंग में आसानी मिले। ओके, इस तरीके से अपन ने फोरहेड, आईज और नोज वाला रीजन किया। पहले इतना कर लो, जैसे अभी अपन मस्टैश बनाएंगे यहाँ पे, तो देखो ये शेडो आ रही है, इस एरिया में आ रही है पर्टिकुलरली इस एरिया में, ठीक है। तो अपन ऐसा तो है नहीं कि वहां पे ज्यादा डार्क है उसका, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, टू बी से स्टार्ट कर दो, एक तरीके से शेडो बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छी खासी डार्क भी है, ये अभी अजीब सी लगेगी कि अभी क्या कर दिया अपन, ठीक है, बाद में सही लगेगी। इसे थोड़ा सा डार्क रख दो, थोड़े से प्रेशर के साथ चलाना कि ये सब में मिक्स ना हो जाए। ओके, फिर इस वाले रीजन पे आते हैं अपन, पहले अपन लेफ्ट वाला कंप्लीट करते हैं, फिर राइट वाले चीक्स पे आते हैं। धीरे धीरे इसको भी शेड करो, ऊपर ऊपर का रीजन करना, नीचे आते आते लाइट हो जाना इस तरीके से इधर। फिर चीक्स वाले रीजन पे आते हैं, तो चीक्स वाले रीजन पे मत करना कि बहुत अंदर तक ले आए, वाले रीजन पे भी ऐसे सर्कुलर शेडिंग करो धीरे धीरे, ऐसे पहले एक आउटलाइन शेप सा बना लो, ऐसे धीरे धीरे ऊपर ले गए, अपने पास एक आउटलाइन शेप आ गया। अब इसे ब्लेंडिंग में आसानी हो तो यहाँ क्या करेंगे, हल्की से, ठीक है, ताकि एच बी और टू बी के बीच में अपन एक पर्टिकुलर लेयर देते ना मिड टोन्स, वो आ जाए ताकि जब अपन ब्लेंड करें तो इजीली हो। यहाँ पे देखोगे जैसे थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ना है हाइलाइट्स, ओके, इस वाले रीजन में, जब बाकी रीजन में अपन शेड करेंगे, और ओके इस तरीके से लेफ्ट वाला, राइट वाले में भी सेम है, यहाँ पे मस्टेश वगैरह आएंगे तो हल्का से शेड रहता, बात करूँ तो भी चलेगा, नोज की सराउंडिंग में शेड करना है, खासकर ये जो अपन ने कर्व बनाया है इसके ऊपर, ताकि तो चीक्स उठे हुए लगेंगे, नीचे अगर शेड कर दोगे और ऊपर लाइट रहेगा तो ये हिस्सा उठा हुआ लगेगा, अपन को चीक्स वाला रीजन उठा हुआ दिखना चाहिए, तो ये टाक करो और ये नीचे का लाइट रखो। ओके, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे बाकी में हल्का सा शेडिंग देना है। ओके, लिप्स के नीचे नीचे लिप्स की एक आउटलाइन टाइप शेडिंग देते जाओ, नीचे वाले रीजन में हल्की सी शेडिंग दो, ओके, क्योंकि ये रीजन थोड़ा हाईलाइट वाला है, तो हल्की सी शेडिंग बहुत ज्यादा है। ओके, तो इस तरीके से अपन लेफ्ट वाला और मिडिल रीजन करते हैं, तो इतना करो, राइट वाले पोर्शन में अपन को यहाँ पे डार्क एरिया दिखता है चीज का, ठीक है, तो अपन को वही रिक्रिएट करना है, तो पहले तो हल्का हल्का ये शेड करेंगे, थोड़ा सा आगे ले गए, यहाँ ट्रायंगुलर शेप जो दिख रहा है अपन को ये वाला, ओके, इस तरीके। फिर जो अपना कर्व है, अब इसकी आउटलाइन बनाते हुए अपन, ओके, जो सर्कुलर शेडिंग स्मूथली करना, रफ नहीं करना है अपन, ये अपन जो डार्क एरिया की अपन ने फर्स्ट लेयर में बनाया था ना पहले, सेम चीज वही कर रहे हैं। Okay. पीछे का एरिया अपन शेड करते हुए लाएंगे, ओके, जैसे ये है, ऐसे डायरेक्टली ऐसे छोड़ दिया ब्लेंडिंग में अपनी पैड बन जाएगी, क्योंकि क्या है कि बहुत लाइन शेप में आ जाएगी। क्या करूँ, हल्का सा हल्का, बहुत हल्का, इसके ऊपर एक और लेयर टाइप चढ़ा दो, जो अब फिर एक ट्रांजिशन लेयर टाइप हो जाए, मिड टोन सा, ये हल्का हल्का अपन करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं भरना है, बहुत ऊपर तक नहीं भरना है, हल्का हल्का ही करना है अपन, ओके, आखिर ये वाला एरिया जो था ना मैंने मार्क कराया था, ये इसके राइट हैंड साइड पूरा फिल होना चाहिए, फिर तो बाकी सब सिंपल है अपन को, बहुत लाइट, जैसे ये थोड़ा सा डार्क है कंपेयर्ड टू बाकी सारी शेडिंग, ये नीचे का पोर्शन नॉर्मली करेंगे, ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा लाइट, बस स्मूथ करना है। Okay.
इस तरीके से अपन ने बाकी का एरिया फिल किया। ठीक है, फिर अपन ईयर्स वाला, ईयर्स भी अपन पूरे ही फिल कर दो अभी। ओके, ईयर्स की अपन डिटेलिंग बाद में देखेंगे। और इस तरीके से अपना जो फेस की शेडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, फोरहेड जो है, ठीक है, जैसे कॉटन से स्टार्ट करता मैं, बेसिक सी जो शेडिंग है कॉटन से कर देता ताकि जो जल्दी जल्दी एक हो जाए। ओके, जैसे ये हुआ। फिर आईज के पास पास जरा ध्यान रखना, वहां कोशिश करो ब्रश से ही करो। फिर ये वाला जो रीजन आता है जैसे ये, ठीक है, इसके सराउंडिंग में बहुत अंदर तक नहीं ले जाना कॉटन, बाहर बाहर तक करो। ईयर्स वाला कॉटन से एक चीज ध्यान रखना है, घिस घिस के रुक मत जाना एकदम, वो आ जाते हैं मैचेस आ जाते हैं। बहुत पतला कर लो। फिर जो आईब्रोज के बीच वाला रीजन है इस तरीके से चलाओ इसे, आईज वाला रीजन है, बहुत पतला कर लेना। ऐसे नहीं कि मोटे एरिया से कर रहा है कि अपना पूरा हाईलाइट जो है वो सब गायब हो गया। ओके, ये वाले रीजन पे जरा ध्यान से करना है, इससे थोड़ा क्या कहते हैं भरना नहीं है, एकदम डार्क करके और स्मूथ होना चाहिए, पूरी शेडिंग जो है स्मूथ होनी चाहिए। ये अपनी ब्रश से हो, कॉटन से हो गई। अब ब्रश से क्या करना है, पर्टिकुलर एरिया आ जाता है जैसे आईज के नीचे वाले, इसे ब्लेंड करते करते हल्का सा नीचे लाए, जैसे ब्लेंड करते करते ये पर्टिकुलर रीजन जो रहता है अपना बीच वाला उसे छोड़ा, उसके सराउंडिंग में सर्कुलर में चलाओ। तो नोज वाला रीजन है उस पे से कर्व कर करके चलाओ। ओके, इस वाले रीजन पे चलाओ अच्छी तरीके से, जैसे ये जहां पे अपन का डेप्थ है ना, ये यहाँ पे इस रीजन में थोड़ा थोड़ा ऐसे चलाते जाओ अच्छे तरीके से। फोरहेड पे जो बचा हुआ रीजन रहता है जहां पे भी तुम्हें रफ लग रहा हो, शेप पे अगर ध्यान दिया अपन तो यहाँ पे एकदम ऐसे तो है नहीं कि भाग रहे हैं उल्टे सीधे, नहीं, शेप जो अपन ने बनाया था उसी में, तो ये भी नहीं है कि पीछे से वापस आ रहे हैं लेफ्ट वाले में, राइट वाले में दिख रहे हैं कि थोड़े से पीछे की से राइट बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो अपन वही करेंगे, हाथ के नीचे कुछ पेपर या फिर वो रख लेना, स्ट्रोक्स देखो, नोज पे नहीं आने चाहिए, ऐसे बाहर की तरफ थोड़े से निकलने चाहिए। ओके, अब एकदम ऐसा भी नहीं है कि नीचे लाइन में आने चाहिए। ओके, थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स यहाँ पे भी चेहरे पे आते हैं, थोड़े से मैं क्या करूंगा इस तरीके से, बहुत आराम आराम इस डायरेक्शन में हल्के हल्के, ताकि वो जो दिखता ना कि चेहरे से अटैच्ड है वो लुक आए। अब मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ, ये ऊपर आए, यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी वो ये रहेगी, यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी ये रही, यहाँ पे जो डायरेक्शन आई ये रही, यहाँ पे जो डायरेक्शन आई ये रही। ओके, इस तरीके से आता जा रहा है। तो अपन को ये मार्क कर लेना पहले, डायरेक्ट करने से पहले इस डायरेक्शन में धीरे धीरे कर्व करते जाना, बहुत एकदम पास पास करके भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा गैप दे दे के भी कर सकते हो, ये फर्स्ट लेयर है, इसके बाद 10 भी लेयर रहेगी अपने पास। पीछे से हल्के से स्ट्रोक्स लगाने, देखो ये पीछे से थोड़े से स्ट्रोक्स आगे की तरफ लाने, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, 5-6 ज्यादा से ज्यादा। फिर कंटिन्यू करेंगे अपन वापस, पीछे जाने लगे सारे स्ट्रोक्स। ओके, ऐसे लंबे लंबे होते, देखो छोटे छोटे कोई स्ट्रोक नहीं है, यूजुअली सारे लंबे लंबे स्ट्रोक्स, ये फर्स्ट लेयर हो जाती है लेफ्ट साइड। राइट भी सिमिलर है, राइट में क्या है, जैसे ये आ रहे हैं यहां तक आ रहे हैं, क्या करो पीछे से आगे की तरफ स्ट्रोक्स ले जाओ ऐसे स्टार्टिंग में। याद रखना
ये ना हो कि तुमने स्ट्रोक्स लगाए और आईब्रो 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हो गई, इतनी मोटी नहीं। नहीं, अपने पास वो है, मेजरमेंट है, पर्टिकुलर एरिया है, वहीं तक करना है, पूरा आगे तक नहीं ले जाना है, सिर्फ यहाँ तक। ओके, फिर यहाँ नीचे से नीचे वाले पोर्शन में क्या करना, सेम तरीके से बस नीचे की तरफ देखो, बॉर्डर अपनी ये है, इससे बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना, इसी में रखना है। बाल आ रहे हैं, आने दो, ये हल्के हल्के जैसे अपन ने नीचे यहाँ निकाले थोड़े से इधर तक। हो जाता है, बस क्या करना है, आईब्रोज इस तरीके से देना स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग थोड़ी बिखरती जैसी होती है, फिर यहाँ से पीछे की तरफ है, यहाँ से इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाते हैं, तो और लंबे होते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो बीच में से चेक पॉइंट से लगा लो और इनको इसी तरीके से ज्वाइन कर। पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए वो भी आ गए, थोड़े से जो ऊपर करते हुए बाल चाहिए जिसके करते हुए वो भी आ गए नीचे की तरफ, ये रियलिस्टिक बाल से अपन मिल गए। इस तरीके से अपन ने अपने आईब्रोज कंप्लीट कर लिए।